वेलकम टू किंग गैश। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट वीएस इन्फिनिक्स हॉट 8। वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी पिक्चर्स और वीडियोस के सैंपल का भी हम कंपैरिजन करेंगे। इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट और हॉट 8 दोनों डिवाइसेस की हम अलग से अनबॉक्सिंग की और कंप्लीट रिव्यू की वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बॉडी की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस का साइज सेम है, जबकि वेट में भी बस 19-20 का फर्क समझ लीजिए, बाकी दोनों डिवाइसेस का वेट भी तकरीबन एक जैसा ही है। डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में आपको 6.6 इंचेस की एलसीडी मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको 6.52 इंचेस की एलसीडी मिलती है। और अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस में सेम रेजोल्यूशन है, 720x1600 की रेजोल्यूशन दोनों में प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करें प्लेटफॉर्म की तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में हमें एंड्रॉयड 10 प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर हमें एंड्रॉयड 9 का वर्जन मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट दिया गया है, और जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर दो वेरिएंट आए हैं, इसमें 2GB 32GB का जो वेरिएंट है उसके अंदर हीलियो A22 का चिपसेट दिया गया है, जबकि इसके दूसरे वर्जन में 4GB 64GB वाले वर्जन में मीडियाटेक हीलियो P22 का ही चिपसेट दिया गया है। CPU की बात करें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर 4GB 64GB के वेरिएंट में ऑक्टा कोर के CPU प्रोवाइड किया गया है। मेमोरी की बात की जाए तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB और 4GB 128GB का, जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर भी हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 2GB 32GB और 4GB 64GB। मगर यहाँ मैं मेंशन करता चलूँ कि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर दोनों वेरिएंट के अंदर चिपसेट डिफरेंट मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं इनके कैमरास की, तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर जो इनका कैमरा है आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इनका मोस्ट हाइलाइटेड इस डिवाइस की जो चीज़ है वो यही है कि इन्होंने 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। इनका मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा और 1QVGA कैमरा सपोर्ट के लिए है, और इसके साथ साथ LED लाइट की फैसिलिटी आपको दी गई है और आप 1080 की इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हम दूसरी तरफ बात करें इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो यहाँ पे इनका ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें इनका मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा और 1QVGA कैमरा सपोर्ट के लिए लो लाइट में। इसके अलावा यहाँ पे LED लाइट की फैसिलिटी दी गई है और साथ साथ आप 1080 की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आजकल सेल्फी का दौर है तो बात कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के सेल्फी फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा पे यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और जिसके साथ साथ दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको फ्रंट पे LED लाइट दी गई है और दोनों डिवाइसेस के आप फ्रंट से 1080 की वीडियो शूट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर एक और हाईलाइट जो है वो इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो साइड माउंटेड दिया गया है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। और अगर बैटरी की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में 5000 mAh की बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है, और जबकि चार्जिंग जो है वो आपको 10 वाट की दी गई है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं कैमरा सैंपल की तरफ और देखते हैं कि पिक्चर्स में और वीडियोस की क्वालिटी में ये कितना डिफरेंस करते हैं। ये दोनों डिवाइसेस की सेल्फी सैंपल हैं, और इन दोनों डिवाइसेस के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इसकी परफॉर्मेंस भी दोनों डिवाइसेस की सेम ही है, तस्वीर के अंदर कुछ खास कंपैरिजन नहीं है, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ये दोनों डिवाइसेस का पोर्ट्रेट मोड है इंडोर के अंदर, और दोनों डिवाइसेस का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया है, दोनों डिवाइसेस ने एजिंग बहुत अच्छी की है। और कलर सेचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर नोट 7 लाइट की कलर सेचुरेशन थोड़ी सी बेहतर है हॉट 8 के मुकाबले में।
ये दोनों डिवाइसेस की आउटडोर में सेल्फी कैमरे का सैंपल है, और दोनों डिवाइसेस का जिस तरह हमने इंडोर में देखा था सिमिलर ही थे, और इस तरह आउटडोर में भी सिमिलर हैं। ये दोनों डिवाइसेस का सेल्फी पोर्ट्रेट मोड है, और दोनों डिवाइसेस का जो रिजल्ट है वो तकरीबन एक जैसा ही है पोर्ट्रेट मोड में भी, और एजिंग भी दोनों ने अच्छी करी है, कलर सेचुरेशन भी एक जैसी है। तो ये दोनों कैमरों का जो है वो फ्रंट से है वीडियो, और एम3 नोट 7 का कैमरा जो है उसमें बेहतर लग रहा है। उसकी कलर सेचुरेशन भी जो है वो अच्छी आ रही हैं, और वॉइस की क्वालिटी भी रिकॉर्डिंग की आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगी। बाकी ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, आप बेहतर कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों डिवाइसेस की रियर कैमरे से आउटडोर की वीडियो है, और दोनों सैंपल ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। दोनों के अंदर कलर सेचुरेशन और स्टेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही हैं तकरीबन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।